इन द एलिवेशन ऑफ बॉलिंग पॉइंट दिस इज द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. लेकिन उसके पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज बॉलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड. ओके, एक लिक्विड का बॉलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. मतलब आप लिक्विड ले रहे हो, उसके ऊपर कुछ वेपर्स है, लिक्विड को हीट कर रहे हो, तो अमाउंट ऑफ वेपर धीरे धीरे बढ़ेगा. एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड के ऊपर इतना वेपर हो जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा. सो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन लिक्विड. इन द प्रीवियस प्रॉपर्टी दैट वी सॉ, जब भी आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है. वी स्टडीड द प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. मतलब आप एक सॉल्यूट ऐड करो, जैसे पानी लो, पानी के ऊपर बहुत हाई वेपर प्रेशर है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे सॉल्ट या शुगर ऐड कर दो तो पानी के ऊपर के जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है. दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नाउ इमेजिन, पानी को अगर बॉईल करना हो तो इतना सारा वेपर ऑलरेडी है, थोड़ा सा ही हीट करोगे तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना हो जाएगा और पानी बॉईल करेगा. इंस्टेड पानी के एक सॉल्यूशन को बॉईल करने जाना है तो उसके ऊपर कम वेपर है, नेचुरली उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना प्रेशर लाने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा. मतलब आप जब एक सॉल्वेंट को एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप क्या कॉज कर रहे हो? एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट. मतलब पानी अगर 100 डिग्री पे बॉईल करता है तो उसका कोई सॉल्यूशन 100 से ऊपर ही बॉईल करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के ऊपर का वेपर प्रेशर कम होता है और उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना होने के लिए नेचुरली ज़्यादा हीटिंग की जरूरत होती है. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस अगेन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. पहले ग्राफिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं. ऑन एक्स एक्सिस वी आर प्लॉटिंग टेम्परेचर एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर प्लॉटिंग वेपर प्रेशर एंड दिस लाइन इज इंडिकेटिंग वन एटमॉस्फेयर. ये एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है. ओके, सपोज आप रूम टेम्परेचर पे आपने पानी का एक बीकर लिया, उसका एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे कोई वेपर प्रेशर होगा. मतलब ये रूम टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है और ये करस्पोंडिंग वेपर प्रेशर इंडिकेट कर रहा है पानी के बीकर के लिए. आप इस पानी के बीकर का टेम्परेचर बढ़ाओ, मतलब ये पानी के बीकर को आप यहां पे सपोज हीटिंग के लिए लगा दो. जब आप उसको हीट कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद वो वन एटमॉस्फेयर को टच कर लेगा. आप इस वन एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर है उसको क्या बोलोगे? बॉइलिंग पॉइंट. लेट्स इंडिकेट इट बाय द टर्म टीबी. ओके, टीबी हियर इंडिकेट्स द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड. नाउ ये हो गया हमारे सॉल्वेंट के लिए हीटिंग कर, मतलब आप हीट कर रहे हो और उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है. सिमिलरली आप ये पानी के बजाय आप ये ले लो, पानी और सॉल्ट का सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कम होगा. नेचुरली दिख रहा है वेपर सी कम है, प्रेशर भी कम होगा. अब इसका हीटिंग स्टार्ट करो और इसको वन एटमॉस्फेयर रीच करने के लिए इतना टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है. ये दूसरा बॉइलिंग टेम्परेचर है, ये सॉल्यूशन का है, लेट्स कॉल इट टीबी डैश. ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है. आपका सॉल्यूशन हाइयर टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है, इसलिए आप क्या कह रहे हो? क्या हो गया सॉल्यूशन में? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ओके, एंड व्हाट इज दिस कर्व इंडिकेटिंग? दिस इज द बॉइलिंग कर्व फॉर द सॉल्यूशन. जैसे ये सॉल्वेंट के लिए था, ये सॉल्यूशन के लिए. ओके, नाउ टीबी डैश माइनस टीबी इज डेल्टा टीबी. एंड यू नो व्हाट इज डेल्टा टीबी? इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग. इतने डिग्री से एलिवेट हो गया है बॉइलिंग पॉइंट. सपोज ये 102 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो डिफरेंस आएगा 2, तो 2 डिग्री से एलिवेट हो गया है बॉइलिंग पॉइंट. ओके, डेल्टा टी बी हैज बीन फाउंड टू बी प्रपोर्शनल टू स्मॉल एम. एंड यू रिमेंबर फ्रॉम आर कॉन्सेंट्रेशन कंसेप्ट, स्मॉल एम इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन. ऐसा फाइंड हुआ है कि ये जो डेल्टा टी बी है, जो एलिवेशन हो रहा है, वो सिर्फ मोलैलिटी पे डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा आप क्या डिजोल्व कर रहे हो. अगर आपके पास दो बीकर में दो सोल्यूशन है, एक शुगर का है, एक सॉल्ट का है पानी में, और दोनों के मोलैलिटी सेम है,
तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट इक्वल डिग्री से एलिवेट होंगे। अगर सॉल्ट का 2 डिग्री से एलिवेट होता है तो शुगर का भी 2 डिग्री से एलिवेट होगा, एज लॉन्ग एज देयर मोलैलिटीज आर सेम। ओके, सो दिस इज हाउ डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और डेल्टा टीबी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन टू एम। लेट्स फाइंड आउट वॉट इज दिस के बी एंड वॉट इज दिस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दिस के बी हैज बीन नेम्ड एज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, एब्यूलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। लेट्स डिफाइन क्या है ये कॉन्स्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। क्या हम कह रहे हैं कि के बी विल बी डेल्टा टी बी वेन मोलैलिटी इज 1। जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में m का वैल्यू 1 हो जाए तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। दिस इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन कॉन्स्टेंट। सो व्हाट इज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट? मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 1 मोलर। ओके, दिस इज डेफिनेशन, यू कैन राइट। आई एम सेइंग अगेन, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट when the concentration of the solution is 1 molar. अभी हम KB का unit भी find कर लेते हैं। What is unit of KB? Are we saying KB is delta TB by m from this equation? KB is delta TB by m. Now, what is unit of delta TB? It's Kelvin. Temperature है Kelvin में, okay? और molality होता है mole per kg. So what becomes the unit then? Kelvin kg per mole is the unit of kb. Very important, asked in several exams, it has been asked. तो आपको भूलना नहीं है कि क्या यूनिट होता है इसका. ओके, इट्स केल्विन केजी पर मोल, दिस इज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। बट अभी तक हम उस फॉर्मूला तक नहीं पहुंचे। आपको क्या बताया था हमने, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं? सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली एक अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने का टूल है। तो अभी भी इसमें मोलर मास नहीं है, हम उसको कन्वर्ट करेंगे। फाइनली हमारा इक्वेशन कैसा होगा? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, यही वाला इक्वेशन है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, सिर्फ एम को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। आपने मोलैलिटी का जो फॉर्मूला लिखा था पहले, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू, दिस इज द फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इससे हम किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। लेट अस सॉल्व वन सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। दिस क्वेश्चन सेज दैट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सम, यू हैव अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यू आर टेकिंग, एंड दैट सॉल्यूट हैज बीन डिसॉल्वड इन acetone, and acetone is the solvent. You are given molar mass of the solute to be 210, okay? And the acetone that you are taking, its mass is also given here. You can see the mass of acetone is given. The normal boiling point of acetone is 56 degree, and the elevated boiling point of the solution is 56.3 degree. They are asking you to find the value of ebullioscopic constant, that is KB. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ओके? What is our formula? Delta TB is equal to KB into WB into 1000 upon MB into WA. ये सारे notations के value पहले इस given data से find कर लेते, ओके? Now what was delta TB? Delta TB क्या होता है? Elevation in boiling point. मतलब solution का boiling point माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का है 56.3 और सॉल्वेंट का है 56, तो डेल्टा टीबी हो गया 0.3। लेकिन आपको ये दिख रहा है दोनों डिग्री सेल्सियस में है, तो आपको लगेगा ये जो डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस में, ये डिग्री सेल्सियस में भी 0.3 रहेगा और केल्विन में भी 0.3 रहेगा, क्योंकि अगर आपने दोनों को केल्विन में भी कन्वर्ट कर लिया फिर भी डिफरेंस 0.3 का ही आएगा। तो कभी डिफरेंस निकालने के बाद केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना है, ओके? पहले दोनों को केल्विन कर लो, डिफरेंस फाइंड कर लो। जो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है वही केल्विन का डिफरेंस है। सो दिस वैल्यू इज ट्रू इन डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो ट्रू इन केल्विन, ओके? तो डेल्टा टी भी आ गया। अब उसके बाद डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सॉल्यूट,
तो हम कितना ग्राम सोल्यूट डाल रहे हैं उसमें, यहाँ पे हमें दिया है मास ऑफ सोल्यूट इज 7 ग्राम, सो डब्ल्यू बी इज 7 ग्राम. एम बी मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, एसीटोन है, मोलर मास आप निकाल सकते हो. क्या फॉर्मूला है? CH3CO CH3, 3 कार्बन, सो 12 × 3 = 36, 1 ऑक्सीजन इज 16, हाइड्रोजन 6. सो व्हाट इज द टोटल मोलर मास कमिंग, लेट्स फाइंड आउट. 6 6 18 58, द मोलर मास इज कमिंग 58, सो Mb इज 58. Then after that you are given mass of solvent, मतलब आपने एसीटोन कितने ग्राम लिया है, you are taking it to be 350 ग्राम, so WA is 350 ग्राम, so you have all the values, let's substitute in the formula. इस formula को KB के लिए लिख लेते हैं, ये अभी डेल्टा टीबी के फॉर्म में लिखा है, हम KB के लिए लिख लेते हैं. KB will be equal to delta TB into MB into WA divided by WB into 1000. Let's substitute the values. Delta TB की जगह हम लिखेंगे 0.3. Molar mass हमारा आया था 58. Then into WA, that is the mass of the solvent, 350 divided by, we have in the denominator WB, mass of solute, that is 7 into 1000. Just you have to calculate this much. Quite easy to calculate. Now the things are getting almost cancelled. ये जो 7 है यहाँ से 50 times cancel हो रहा है, और ये जो 1000 है ये तो आपके decimals के ही correction में आ जाएगा, तो बस आपको उतना ही calculate करना है. So let's find out this value. Take your time. You can report your answers in the, and it will be in the units of Kelvin, kg per mole as told earlier. This is one of the type of question. The same questions can be modified. KB will be given and you are asked molar mass. As simple as that. But one of these question always comes. So you have to give importance to all colligative properties. Okay. We are shifting to the next colligative property, that is depression in freezing point.